हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 24/7 हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट समिट का सेशन, जिसमें कि 2022 में जितने भी इम्पॉर्टेंट नेशन है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और उनसे उन नेशंस के जितने भी समिट मतलब उन जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट नेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उनके जो एनुअल समिट है वो कब कब होने वाले उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस सेशन को आखिरी तक देखिएगा, सेशन में आखिरी तक बने रहिएगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए और है, मैंने एक सेशन किया था ये कल रात को लगभग 12 बजे के लमसम, भारत ने पाकिस्तान पर क्यों दागी मिसाइल, और असल मायनों में पाकिस्तान पर एक मिसाइल को दागा गया था और वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन असल में हुआ क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी बनता है। इस सेशन को ज़रूर देखिएगा, ये सेशन आपके लिए इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी हाईलाइटेड ओके क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए अब बढ़ते हैं यहां पर आगे। ऐसे एस्पायरेंट जो कि बैंक की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज प्राइम टेस्ट पैक ऑफर फिर दोबारा से आया है वापस। ऑल टेस्ट सीरीज आपको मिल रही हैं, सारी के सारे मतलब ऑल टेस्ट मिल रहे हैं इस प्राइम टेस्ट पैक के तहत लोएस्ट प्राइस में। इसके लिए आपको कोड यूज करना Y168S, ओके। बाकी आपको कोई भी बैंक महापैक या एसएससी महापैक या अड्डा का महापैक बाय करना है, उसके लिए आप कोड यूज करेंगे Y168, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट G7 के बारे में डिस्कशन करते हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशन, कनाडा, USA, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, 7 देशों का ये संगठन है जिसका वार्षिक समिट रहता है। हर साल इसको आयोजित किया जाता है, हर साल इस समिट रहता है, ओके, जिसको G7 समिट के नाम से हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये G7 के बाद G8 बना, फिर दोबारा से ये G7 बना। G8 बना था रशिया के जुड़ने के बाद, लेकिन रशिया ने एक ऐसी घटना घटित की जिसके बाद से उसको हटाना पड़ा, ओके। इसको पढ़ते तो ग्रुप ऑफ 7 में कौन कौन से देश है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट। फॉर्मेशन हुआ था 1975 में, 1975 में, जो यूक्रेन का एक रीजन है, क्रीमिया रीजन, उसके अनेक्सेशन के बाद। ये 2014 की घटना है, जिस तरीके से अभी यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है, और आज जिस तरीके के रेस्ट्रिक्शन रशिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, 2014 की बात करते हैं जब उसने क्रीमिया को अपने में शामिल किया, या यूक्रेन के क्रीमिया के क्षेत्र के विलय के बाद 2014 से रूस को एक सदस्य के रूप में निष्कासित किया गया, और यह फिर दोबारा से G7 बन गया था। ये एग्जाम का क्वेश्चन काफी बार देखने को मिला है कि रूस को G7 या यू कहें G8 में से कब हटाया गया था, फिर से G7 कब बना, या उसका रीजन क्या रहा था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, या G7 का फॉर्मेशन कब हुआ था। दोस्त आंसर बनता है यहाँ पर आपका 1975, ओके, 1975। और ग्रुप ऑफ 7 कंट्री जरूरी याद रखिएगा, कनाडा, USA, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। इसके बारे में जरा एक ट्रिक देख लेते हैं। मैं आपको अक्सर बड़े फिल्मी अंदाज में इसमें बताता भी हूँ, लाइक वो एक नहीं था, वो कौन सा सॉन्ग था, बेबी को बेस पसंद है ना मेरे भाई, समथिंग लाइक वैसे था। तो बेबी का नाम है मेरे भाई यहाँ पर गैबरिफ। क्या नाम है बेबी का? गैबरिफ। आई एम फ्रॉम आगरा, आगरा के नज़दीक वृंदावन, और वृंदावन में फॉरेनर वगैरह आते रहते, तो अक्सर मेरे भाई मुलाकात हुई, तो एक मोहतरमा से उनसे मुलाकात हुई, उनका नाम था गैबरिफ। ओके, गैबरिफ। मैंने पूछा, और गैबरिफ हाउ आर यू, तो कहती मैं बढ़िया। मैंने कहा तू हिंदी बोलती है? अरे हाँ भाई, हिंदी नहीं बोलूंगी। मैंने कहा कैसे? कह रहे वृंदावन में रहना है तो अब राधे राधे कहना है, तो हिंदी बोली उसने। अब हिंदी बोली तो मैंने कहा चल एक बात बता, कि और बता क्या खाएगी। अब भाई एथिकली पूछना बनता है मेरे दोस्त, क्या खाएगी? तो कहती है यार देख सुन, वृंदावन में आए हैं तो कुछ मीठा खा के तो जाएंगे। मैंने कहा मीठा बता क्या खाना है? गाजर का हलवा या मूंग की दाल का हलवा, सूजी का हलवा। तो कहती है मेरे को ना सूजी का हलवा पसंद है मेरे दोस्त। मैंने कहा ओ माई गॉड, व्हाट अ टेस्ट, ओके। मैंने कहा कहती सूजी का हलवा पसंद है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो बेटा गैबरिफ को कौन सा हलवा पसंद है? सूजी का हलवा पसंद है, ऐसे याद रख लिएगा, ओके। गैबरिफ को सूजी का हलवा पसंद है। गैबरिफ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ओके। गैबरिफ में जी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, USA, जापान, इटली, ओके, याद रहेगा। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, USA, जापान, इटली। आई होप यार गाइस क्लियर होगा। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, USA, जापान, इटली, ये 7 देशों का संगठन है। ये जो समिट है ये कब कब रहता है, एक बार इसको जरा ध्यान से समझना। G7 समिट जो 2020 में हुआ था, 2020 में यूनाइटेड स्टेट ने होस्ट किया था, एग्जामिनर इसको पकड़ेगा आपसे। ये कौन सा एडिशन है मेरे भाई? 46 एडिशन, 46वां संस्करण, 21 वाला, 47th एडिशन। उसका होस्ट कंट्री यूके,
यूके हमारे लिए इंपॉर्टेंट। आज हम लोग 2022 में खड़े हुए हैं, तो 2022 का समिट G7 समिट ये कौन सा मेरे दोस्त? जर्मनी। ओके, तो 2022 का G7 समिट कौन सा देश होस्ट करेगा? सामने देखिएगा मेरे दोस्त, जर्मनी होस्ट करने जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? 2023 का G7 समिट जापान होस्ट करेगा, 49th एडिशन। और मेरे दोस्त 2024 का G7 समिट ऐसे इटली होस्ट करेगा। तो इसे ऐसे याद रखना, GJI यानी कि 22, 23 और 24। ओके, 22 में बेटा जर्मनी, 23 में जापान और 24 में इटली G7 समिट होस्ट करेगा। क्लियर है दोस्त? भाभी से भी पूछ लो वो क्या खाएंगे। नहीं, मोनिका को क्या खाना है वो मैं पूछ लूंगा। मेरे भाई तुम ट्रिक पढ़ो, ठीक है, उस पर फोकस नहीं करते हैं, इस पर आते हैं। आई होप यार G7 समिट आपके क्लियर होगा, या G7 के बारे में आपके सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट G20। G20 ये 20 देशों का संगठन है, जरा इसको डिटेल में समझते हैं। 19 तो इसमें देश है G20 में, और एक यूरोपियन यूनियन है। फाइन, 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन, और IMF और वर्ल्ड बैंक के इसमें रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। फिर दोबारा सुनिएगा, G20 में 19 देश, फाइन, एक यूरोपियन यूनियन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इसके प्रतिनिधि रहते, रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। कुल मिलाकर बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में, 1999 में सेवरल वर्ल्ड क्राइसिस रहे थे उसके बाद से, और 2008 के बाद से मेरे भाई इसकी मुलाकात हर साल एक बार होती है, जिसको हम लोग G20 समिट के नाम से जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें जितने भी संगठन या देश हैं जो मिलकर बात करें, तो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्लोबल सकल घरेलू उत्पाद है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद है, जो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 85% G20 रिप्रेजेंट करता है। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करें 80%, और ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं तो इन ये जितने भी राष्ट्र हैं या जो संगठन है वह 75% यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंपल शब्दों में बोलो तो ये डेटा है, आपको इसके वर्बली ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कब क्लियर है ये, कब बना? 1999 में G20 में बात कर ले कौन कौन से देश हैं, तो यहां पर जरा देखना मेरे दोस्त, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना। ओके, कौन कौन से देश हो गए? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ G20। ओके, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट, ये दोस्त 20 यहां पर इसके मेंबर हैं। क्लियर है? 20 मेंबर हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं, G20 समिट की बात करें, 2021 वाला जो G20 समिट था, इट वॉज होस्टेड बाय इटली, इसे इटली ने होस्ट किया था, ये 16वां संस्करण था। ये समिट कौन सा? 2021 का। तो 22 के G20 समिट की बात करें, इट विल बी होस्टेड बाय इंडोनेशिया। आप 2022 में खड़े हैं, 2022 का समिट होगा, इंडोनेशिया होस्ट करेगा, और ये एडिशन कौन सा रहने वाला है? 18th एडिशन, 18वां संस्करण। क्लियर? 17th एडिशन, क्योंकि 18 तो इंडिया होस्ट करने वाला है। 2023 का G20 समिट इंडिया होस्ट करेगा, 18वां एडिशन हो गया। नेक्स्ट मेरे दोस्त ब्राजील है, तो इंडोनेशिया, IIB, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, मेरे भाई ये आपका 22, ये 23 और ये 24। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? सारे GDP ग्रोथ रेट बता दीजिए। अच्छा, आज यार दोस्त एक चीज था, एक करेक्शन करना था, कि हम लोग जो मॉर्निंग का सेशन ले रहे थे, तो हंगरी के जो हम लोगों ने फर्स्ट एवर हेड पढ़े थे, जो फीमेल बनी, उसमें हमने ये देखा था, जो शब्द पूरा नहीं था वहां पर, ऑरवन वहां के प्रधानमंत्री, ऑरवन लॉयलिस्ट, मैंने वही वर्ड पिक कर लिया, वो एक नेम नहीं है, वो वहां पर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऑरवन के लॉयलिस्ट है। उसमें आगे मैंने नेम मेंशन कर दिया PDF में भी और कमेंट में भी पिन कर दिया। तो 7 AM का सेशन एक बार फिर दोबारा देखना जाकर, उसके कमेंट बॉक्स में मैंने एक करेक्शन किया, उसको करेक्ट कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए ये क्लियर हो गया, G7 समिट कहां कहां पर हो रहा है, G20 समिट कहां पर हो रहा है, कब ये फॉर्म हुआ था, सारी चीजें इससे रिलेटेड। ओके, अब आते हैं SCO पर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में इसमें 5 देश ही मेंबर हुआ करते थे। ओके, 6 देशों की बात करते हैं, 6 देश इसमें मेंबर थे, फिर इसमें 2 देश और जुड़े, एक भारत और एक भारत का सबसे मित्र देश पाकिस्तान। ओके, तो भारत, पाकिस्तान और 6 और देश, कुल मिलाकर 8 देशों का संगठन बनता है। फिर इसमें एक और देश जुड़ जाता है, अब ये SCO 9 देशों का एक संगठन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में हुई थी, मुख्यालय इसका चाइना के बीजिंग में है। अभी इसके वर्तमान में नए सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं, इनका नाम है झेंग मिंग। ओके, झेंग मिंग, एक बार फिर दोबारा समझते हैं,
15 जून 2001 की बात है, इसकी स्थापना हुई थी। और ये कब से लागू हुआ मेरे भाई, कब से काम करना स्टार्ट किया? 2003 से। इंडिया ने इसको 2017 में ज्वाइन किया। ये आपके एग्जाम का सवाल है कि इंडिया ने एससीओ को कब ज्वाइन किया था, बेटा 2017 में। और इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में हो गया और सेक्रेटरी जनरल का नाम झेंग मिंग है, झेंग मिंग। आई होप यार यहां तक फैक्ट क्लियर होंगे। अब सवाल उठता है कौन से देश इसके मेंबर हैं, तो ये लिस्ट है उन राष्ट्रों की, उन देशों की जो कि इसके मेंबर हैं। मेरे दोस्त जरा समझना, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। ईरान इसका 9th मेंबर चुना गया है, जो ईरान है, इट इज अ 9th मेंबर ऑफ एससीओ। इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान ये 2017 में चुने गए थे, 2017 में। अब इसके देशों को याद करने का कोई ट्रिक व्रिक नहीं, वैसे याद हो या कैसे समझो। आपको इंडिया याद रहेगा, हाँ सर। पाकिस्तान याद रहेगा, हाँ। चाइना याद रहेगा, हाँ। रशिया, ये चार तो याद रहेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। जो 9th मेंबर बना है बेटा वो ईरान बना है, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं। अब यार दोस्त जितने भी देश हैं जिनमें तान आ रहा है मेरे दोस्त, उसको उठा लो, तान आ रहा है। सिर्फ तुर्कमेनिस्तान को छोड़ देना, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दो, जितनों में तान आ रहा उठा लो उनको मेरे भाई, ठीक है। एक आ गया यहां पर उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ओके। एक आ गया बेटा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। एक आ गया यहां पर कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और एक आ गया ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। देखो यहां पर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब ये पांच देश हैं जिनमें कि नाम हमेशा में कंफ्यूजन में रहता है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो इनको नहीं उठा लो मेरे भाई, उठा लिया, इनमें तुर्कमेनिस्तान हटा दो बस। तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है, तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ, ओके, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यार गाइस क्लियर होगा, एससीओ बना कब, हेडक्वार्टर कहां पर है, सारी चीजें, ओके, और इसके मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आप याद रखना, ओके। ये अपना प्यारा भारत है, आपको मैप में दिख भी रहा होगा। अब ये डायलॉग पार्टनर, ऑब्जर्वर स्टेट, ये रीड कर सकते हैं आप लोग, गेस्ट कंट्रीज जितने भी हैं। अफगानिस्तान भी तो नहीं है, अफगानिस्तान एक एक्सेप्शन है, इसका पार्ट नहीं है। अरे तान लगा हुआ इसलिए, अच्छा हटा दो इसके तान को, हटा दो मेरे भाई, अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते समझना, एससीओ समिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एससीओ समिट को याद करने का तरीका समझो, एससीओ समिट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेड्स ऑफ स्टेट और एक होता है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। एक समिट होता है हेड्स ऑफ स्टेट और एक होता है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। जो हेड्स ऑफ स्टेट समिट होता है, हेड्स ऑफ स्टेट समिट, इसमें देश का लीडर पार्टिसिपेट करता है, लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके। यहां पर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में देश का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर सकता है, इट मे बी होम मिनिस्टर, इट मे बी डिफेंस मिनिस्टर, इट मे बी फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, एनीबॉडी, कोई भी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर बोला जा रहा है, ओके? तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का समिट, हेड्स ऑफ स्टेट का समिट साल में हर साल होते हैं। हेड्स ऑफ स्टेट का समिट जो है, हेड्स ऑफ स्टेट का समिट, जरा ध्यान से समझिएगा, 2021 वाला, 2022 वाला, 21 वाला ताजिकिस्तान ने होस्ट किया था, और जो 22 वाला, 2022 वाला है, इसको उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा, लिखा है ना। फिर 21 का जो हेड्स ऑफ स्टेट का समिट था, इट इज होस्टेड बाय ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान ने होस्ट किया, दुसुनबे में रहा, और 22 वाला समिट उज्बेकिस्तान के समरकंद में रहेगा, उज्बेकिस्तान के समरकंद में रहेगा, क्लियर है भाई, डन। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के समिट की बात करते हैं, 21 वाला इसे होस्ट किया था कजाकिस्तान ने, और 22 वाला होस्ट करेगा बेटा चाइना, ठीक है, लिखा है। 21 वाला एससीओ समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, कजाकिस्तान ने होस्ट किया, 22 वाला समिट होस्ट करेगा चाइना। तो कब ये बना, कब इंडिया इसका मेंबर बना, आई होप यार सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। यहां से एग्जाम में आपको ये वाले सवाल काफी देखने को मिल सकते हैं, क्लियर है सर। पेटीएम पेमेंट बैंक के अगेंस्ट में सरकार ने कोई एक्शन लिया, इसका मतलब आपने सुबह 7 बजे का सेशन देखा ही नहीं। अगर आपने मॉर्निंग 7 AM सेशन देखा होता तो डेफिनेटली आपको पता होता, एक बार सुबह 7 बजे का सेशन देखिए, एक बार समझिए। ऐसे बच्चे जो बैंक, SSC, रेलवे, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करें, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मॉर्निंग 7 AM करंट अफेयर सेशन आपके लिए मैंडेटरी है, उसे स्किप मत करिएगा, गलती से भी उस सेशन को स्किप मत करिएगा और मत करेगा मेरे भाई। अगर नहीं देख रहे हो तो उसे आदत बना लो अपने जीवन की। कल मैं YouTube पर सेशन लेने जा रहा हूँ सुबह 7 बजे वीकली MCQ का, और 9 से 11 जो सेशन होगा फरवरी के पूरे करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा, तो उस सेशन में जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्त एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन पे, आसियान, क्या भारत इसका मेंबर है? आंसर बनता नो, आसियान का भारत मेंबर नहीं है। एग्जाम का सवाल भी यही था, क्या इंडिया आसियान का मेंबर है, तो उसमें यही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान, तो उसमें ऑप्शन में अपने इंडिया गिवन था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन क्या है, ये एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक यूनियन है 10 देशों का, साउथ ईस्ट एशिया में 10 देश, उनका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है ये।
जो प्रमोट करता है इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, दोनों देशों में या इन देशों के बीच में एक इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन की बात करते, अंतर सरकारी सहयोग उसको बढ़ावा देता है। इन 10 देशों की बात की जाती है तो मेरे भाई एक बार यहां पर आ जाते हैं, इसको जरा देखते हैं, ठीक है। मैंने बताया था साउथ ईस्ट एशिया के ये 10 देश कौन कौन से हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये 10 देशों का संगठन है। यहां से आपको सवाल देखने को मिलता है, यहां से आपको एक सवाल देखने को मिलता है, ये मेंबर आपको पता होने चाहिए। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये 10 देश इसके मेंबर हैं। ओके, ये 10 देशों का एक संगठन है। आई होप यार गाइस क्लियर होगा। नेक्स्ट, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है और सेक्रेटरी जनरल का नाम है लिम जॉक हुई। फाइन, आसियान की बात करें तो एक साल में 2 बार समिट रहता है इसका। आसियान समिट 40th 2022 वाला कंबोडिया होस्ट करेगा और आसियान समिट 41st 2022 में रहेगा, इसे भी कंबोडिया होस्ट करेगा। तो ये क्लियर हो गया, इसका होस्ट कंट्री कौन है? कंबोडिया। क्लियर, आसियान समिट का होस्ट कंट्री कौन है? कंबोडिया। 40 और 41st एससीयू समिट का पता चल गया, G7 का पता चल गया और G20 समिट पता चल गया। अब आते हैं यहां पर ब्रिक्स के ऊपर। ओके, अच्छा, अपेक, फिर ब्रिक्स के ऊपर आएंगे। अपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, यह भी एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, लेकिन इसमें कुल मिलाकर 21 मेंबर्स हैं जो कि पैसिफिक रिम के हैं। ओके, अब जरा समझना इनका पर्पस क्या है। इनका पर्पस है आपस में जो फ्री ट्रेड है उसको प्रमोट करना। तो अपेक प्रशांत रिम में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है जो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। मुक्त व्यापार मतलब क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश में अपने वस्तुओं को भेजता है तो दूसरा देश उसके ऊपर कोई ना कोई टैक्सेस लगाता होगा, कोई ना कोई टैरिफ लगाता होगा, कोई ना कोई ड्यूटी लगाता होगा, तो वो देश ऐसा ना करे, कम से कम लगाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग मुक्त व्यापार समझौता। अक्सर दो देशों के बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसा अभी इंडिया ने यूएई के साथ साइन किया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आज ही द हिंदू में पढ़ रहा था जो कि कनाडा के साथ भी साइन होने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। और यह भी यहां पर मुक्त व्यापार समझौते को ही यहां पर किस देश प्रमोट करते हैं। ये जो अपेक है इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, 1989 में, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर के क्वींसटाउन में, सिंगापुर के क्वींसटाउन में। मेंबर्स की बात करते हो 21 इकोनॉमीज इसकी मेंबर है। ओके, 21 मेंबर हो गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है रेबेका फातिमा सेंटा मारिया। ओके, रेबेका फातिमा सेंटा मारिया। चेयरपर्सन की बात करें प्रयोचान ओछा। अब यार प्रयोचान ओछा क्यों है? असल में थाईलैंड। ओके, थाईलैंड इस 2022 के समिट को होस्ट करने जा रहा है, इसलिए वहां के जो लीडर है प्रयोचान ओछा वो यहां पर चेयरपर्सन है। कल को जो 2023 में देश होस्ट करेगा फिर चेयरपर्सन यहां बदल जाएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम तो आप याद रखना, रेबेका फातिमा सेंटा मारिया। अब जरा समिट की चर्चा कर लेते हैं। जो 2021 का समिट रहा था अपेक समिट, इसका होस्ट कंट्री था दोस्त न्यूजीलैंड और इट वॉज 33rd एडिशन, ये आपका 33वां संस्करण रहा। 2022 का समिट थाईलैंड ने होस्ट करना है जो कि 34वां एडिशन है, मतलब 2022 में जो समिट होगा वो थाईलैंड होस्ट करेगा, समझ में आ गया। इसलिए यहां पर चेयरपर्सन प्रयोचान ओछा है। 2023 का समिट यूनाइटेड स्टेट होस्ट करेगा जो कि 35th एडिशन होगा। 2024 का समिट ब्रुनेई होस्ट करेगा जो कि 36th एडिशन होगा। 2025 का समिट साउथ कोरिया होस्ट करेगा जो कि 37th एडिशन रहने वाला है। तो 22 थाईलैंड, 23 यूनाइटेड स्टेट, 24 ब्रुनेई और 25 मेरे भाई साउथ कोरिया। डन, क्लियर है दोस्तों? मैंने एक बजट की सीरीज कराई है एमसीक्यू की, इस 12 बजे के सेशन को मैंने थोड़ा और इफेक्टिव आपके लिए बनाने के लिए बजट पार्ट 1, 2, 3, 4 इनको कर लेना, 76 एमसीक्यू इसमें मैंने कराए हैं। और दूसरा मैंने जो अभी आप लोगों को एम्बेसडर वाला सेशन कराया था उसको देखिएगा, लगभग 30,000 से ज्यादा बच्चा उस सेशन को देख चुका है। तीसरा ये हम लोग का समिट हो रहा है 2022 के जितने इंपॉर्टेंट समिट है, जो नेक्स्ट मंडे जब आएगा, जो मंडे आने वाला है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज या स्पोर्ट्स इवेंट, क्योंकि स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट या न्यूज़ की बहुत डिमांड आ रही है। तो उसको हम लोग 2021-22 के जितने भी रहे या 22 में जो अपकमिंग होने वाले हैं उनको टारगेट करेंगे, उन पर फोकस करेंगे। ओके, आई होप यार अपेक आपके क्लियर होगा। सेशन पसंद आ रहा प्लीज लाइक जरूर करते चलना। नेक्स्ट आगे, अब आते हैं ब्रिक्स पे। इसको बोलते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये एक एक्रोनिम है ब्रिक्स, 5 देशों का संगठन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इससे प्लीज न्यू डेवलपमेंट बैंक से लिंक मत करना, वो ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें 9 देश सदस्य हैं। यहां ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये 5 देशों का संगठन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के जुड़ने से पहले ब्रिक था, जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तब ये ब्रिक्स बन गया। ओके, समझना, साउथ अफ्रीका के जो यहां पर एंट्री हुई थी वो 2010 में हुई थी, इससे पहले इसको ब्रिक नाम से जानते थे, अब इसको साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ब्रिक्स नाम से जानते हैं।
इसका फॉर्मेशन 2006 में हुआ था, सितंबर 2006 में, और फर्स्ट जो ब्रिक्स समिट रहा था ये 16 जून 2009 को रहा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो 2021 रहा था इसमें जो समिट रहा 13th, इट वॉज होस्टेड बाय इंडिया, इसको हमारे प्यारे भारत ने होस्ट किया था, ठीक है। इंडिया ने 2021 का जो समिट था 13th समिट था इसको होस्ट किया, और जो 2022 का समिट है इस जो कि 14th एडिशन रहने वाला है, इट विल बी होस्टेड बाय द चाइना, ओके। और इसका होस्ट कंट्री कौन रहेगा मेरे भाई, चाइना रहने वाला है, क्लियर दोस्तों। देखो 1500 बच्चे देख रहे हैं और लाइक अभी भी 1000 चल रहा है, गड़बड़ है मेरे भाई। प्रिय दोस्त मेरे भाई, लाइक का जरा रेशियो बढ़ा दो फटाफट से, फटाफट से एक बार लाइक का रेशियो बढ़ा दीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आई होप यार गाइस क्लियर होगा। अभी तक हम लोगों ने ब्रिक्स देख लिया, अपेक देख लिया, यहां पर एक बार ब्रिक्स समिट वो दिखा देता हूं। ये रहा 2021 का ब्रिक्स समिट, इंडिया ने होस्ट किया, 13th एडिशन था। 2022 का ब्रिक्स समिट इसे चाइना होस्ट करेगा, जो कि 14th एडिशन रहने वाला है। अपेक समिट 2022 का थाईलैंड होस्ट करेगा, 34th एडिशन है, ओके। आसियान समिट 2022 का कंबोडिया होस्ट करेगा, 40 और 41वां संस्करण। इसके अलावा मेरे भाई आसियान समिट हम लोगों ने देख लिया, एससीओ समिट 2022 का जो रहेगा हेड्स ऑफ स्टेट का, इसे उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा। एससीओ समिट हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का 2022 वाला चाइना होस्ट करेगा, चाइना उज्बेकिस्तान। अब हमें 2022 पर फोकस करना है ना, 2022 पे। इसके अलावा G7 समिट पे आ जाते हैं मेरे भाई, G7 समिट 2022 वाला इंडोनेशिया होस्ट करेगा, 23 वाला इंडिया होस्ट करने वाला, 24 वाला यहां पर ब्राजील होस्ट करेगा। इसके अलावा G7 समिट पे आ जाए तो G7 समिट में जो हमारे लिए 2022 वाला बनता जर्मनी है, फिर बेटा 23 वाला जापान हो गया, और 24 वाला इसे इटली होस्ट करेगा। आई होप यार गाइस क्लियर है, ठीक है, डन। यहां तक सभी चीजें आई होप यार आपके क्लियर होंगी। मेरा ओवरऑल सेशन कल 13 मार्च को मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे इवेंट रहने वाले हैं। सुबह 7 बजे मैं वीकली MCQ कराऊंगा, उसमें आपको जुड़ना है। फिर 9 से 11 मेरे दोस्त मैं आपको फरवरी मंथ का 300+ MCQ का सेशन कराऊंगा, PDF नहीं, 300+ MCQ का सेशन कराऊंगा मेरे भाई 2 घंटे में कंप्लीट फरवरी। इस सेशन में आपको जुड़ना है, गलती से स्किप नहीं करना है। फिर 11:30 बजे, अभी जो 12:30 बजे हम लोगों का SBI का सेशन होने वाला था, जिसमें कि मैं आपको डिस्कस करता कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, ये कल आपका 11:30 बजे रहने वाला या फिर 12 बजे रहेगा, ओके। तो ये 3 इवेंट है, और इसी दौरान आपको 11 बजे जुड़ना है अड्डा के महोत्सव में भी, ओके। और इसका इवेंट बन चुका है, इसको भी मेरे दोस्त आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए, 9 से 11 इवेंट भी और ये वाला इवेंट भी, फाइन। बाकी ऐसे बच्चे 2022 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपके पास एक बैच होना मैंडेटरी है, आपके पास सब्सक्रिप्शन होना मैंडेटरी है बैंक महापैक का। बैंक महापैक मेंबरशिप है, इसमें आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिलते हैं, ऑल फैकल्टीज ऑल बैचेस, प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू टेस्ट सब कुछ मिलता है। जैसे ये आरबीआई असिस्टेंट का बैच भी इसका पार्ट है, मंथली करंट अफेयर्स का बैच भी इसका पार्ट है, आरबीआई असिस्टेंट ESIC सभी फैकल्टी के सभी बैचेस, चाहे फाउंडेशन कोर्सेस आप उठा लीजिए, चाहे फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स उठा लीजिए, सभी बैचेस आपका किसका पार्ट है, बैंक महापैक का। बैंक महापैक प्लस हम लोगों ने एक और यहां पर आप लोगों के लिए पैकेज बनाया, इसमें क्या है, सिडबी सेबी नाबार्ड एसओ आरबीआई ग्रेड बी, ये एग्जाम और कवर किए गए। मतलब कहने का ये कि अगर आपका सिडबी का नोटिफिकेशन आता है तो वो आपका बैंक महापैक में नहीं होगा, बैंक महापैक प्लस में होगा। उसी तरीके से सेबी नाबार्ड स्पेशलिस्ट ऑफिसर इनका, तो ऐसे एग्जाम जो आप इन मतलब इन एग्जाम के अलावा अगर आप ये एग्जाम भी एडिशनल कवर कर रहे हैं तब आपके लिए बैंक महापैक प्लस है। ये और इसमें कोई अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं, दोनों ही आपके लिए सेम है मेरे भाई। सिर्फ ये 5 एग्जाम और एडिशनल कवर किए गए इस वाले पैकेज में, इसका नाम है बैंक महापैक प्लस। ये 6 महीने वैलिडिटी के साथ मिलता है, ये भी 12 मंथ वैलिडिटी के साथ, सेम 6 मंथ सेम 12 मंथ। आपके लिए आपको इसके लिए करना क्या है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइएगा, या वह अड्डा 24/7 हमारी वेबसाइट पे, कोड इस्तेमाल करना है Y168। एप्लीकेशन पे जब आप इस कोड को लगाएंगे तो वहां एक ऑप्शन आएगा कॉइन का, कॉइन और सेलेक्ट कर लेना, 78% डिस्काउंट मिलेगा, 77 कोड पे 1% कॉइन पे। वेबसाइट पे जाओगे तो कॉइन वाला डिस्काउंट नहीं होता, तो एप्लीकेशन से खरीदना जाकर मेरे भाई, बैंक महापैक लो या बैंक महापैक प्लस लो। अब हो सकता है शायद आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना हो सकता है सिर्फ आपको मोक लेना हो मेरे भाई, मोक टेस्ट सीरीज, या फिर हो सकता है प्रिंटेड बुक्स लेना हो, उसके लिए कोड है Y168S। आज तो प्राइम टेस्ट के ऊपर मेरे भाई डिस्काउंट भी चल रहा है, और सारी चीज़ें आपको 18% डिस्काउंट पर मिल रही हैं एप्लीकेशन से, और सारी एक ही पैकेज में आपको सारी टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं। ये बैंकर्स के लिए, जो बैंकर्स बनना चाहते हैं, जो SBI PO, RBI PO, IBPS PO, क्लर्क, या फिर मेरे दोस्त RBI ग्रेड भी है, कोई भी बैंक एग्जाम टारगेट करे जिनको फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, उनके लिए वॉरियर 1.0 बैच बनाए। आज इसकी क्लासेस होने वाली 2 से 4, जिसमें मैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में, ओके। अभी तक इसकी 4 से 6 क्लासेस करीब हो चुकी है, वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्लास मेरे दोस्त इसकी लाइव जाने वाली, ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे। 2022 अगर एग्जाम 2022 में आपका टारगेट है बैंकर बनना, तो मेरे भाई इतना समझ लो कि आपके पास ये बैच होना जरूरी है, क्योंकि मेंस तो क्रैक कराएगा, ये आपका इंटरव्यू भी क्रैक कराएगा। इस बैच को स्किप मत कर देना गलती से भी, कोड सभी के लिए सेम है Y168, ओके, क्लियर दोस्त।
एक बार दिखा देता हूँ पैकेज कौन से हैं, कैसे आपको जाना है। आपको वेबसाइट पे जाना है मेरे दोस्त, adda247.com। जैसे ही आप adda247.com पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, स्टोर पे जाइए adda247.com। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, लाइक प्रिंटेड बुक्स का, ई बुक्स का, वीडियो कोर्सेज का, लाइव क्लासेस का, एमओ का। अब आपको प्रिंटेड बुक्स चाहिए, प्रिंटेड बुक्स ले सकते हैं, ई बुक्स। हम लोग लाइव क्लासेस में चलते हैं। लाइव क्लासेस में आपके पास ये ऑप्शन मिलेगा, बैंक महापैक, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक महापैक प्लस, अगर एडिशनल बैंक मतलब बैंक एग्जाम की तैयारी कर, जो रेगुलेटरी बॉडी वाले हैं, और एसएससी महापैक अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम चलते हैं यहाँ पर बैंक महापैक में। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिल रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे वो आपका मेरे दोस्त क्रैश कोर्स हो, चाहे स्पेसिफिक कोई एग्जाम आ रहा है मेरे दोस्त उसका हो, जैसे कि अभी ESIC का एग्जाम आया है जो कि PO लेवल पर रहने वाला है मेरे दोस्त, अभी उसका सिलेबस भी एक बार चेक करना है, कल ही उसके ऊपर नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। ये आपका मेरे दोस्त बैंक महापैक, इसमें सभी फैकल्टी के सभी बैचेस कवर होंगे और ये सारे बैंक एग्जाम इसके कवर हो रहे हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ओके। सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, वीडियो कोर्सेज मिलेगा, एवरीथिंग आपको यहां मिलेगा। प्रोसेस सेम है, व्यू ऑफर में जाना है, व्यू ऑफर में जाकर यहां पर आपको कोड लगाना है Y168, ओके Y168, और जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, ये आपको पड़ेगा 4139 का, लेकिन 4139 का ये यहां से एप्लीकेशन से लेंगे और 1% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, 3939 के लमसम आपको पढ़ने जा रहा है। ये बैंक महापैक है। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं बैंक महापैक प्लस, उसमें क्या अंतर है, सिर्फ इतना सा अंतर है मेरे भाई, 5 एडिशनल एग्जाम और आपके यहां पर कवर हो रहे हैं, बाकी सब सेम है। देखो ये सारे एग्जाम उसमें भी कवर थे बैंक महापैक में, ऐसो एग्जाम, RBI ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड, सिडबी, ये एडिशनल एग्जाम और कवर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। आप जाइए मेरे भाई, इसमें भी इनरोल कराएंगे, सेम प्रोसेस है, 6 महीने 12 महीने का आपको पैकेज यहाँ से मिल जाएगा, 6 महीने 12 महीने 24 महीने के हिसाब से। व्यू ऑफर में जाना है, Y168 कोड लगाना है, ओके। इवन आप लोग समझिए जरा चीज़ों को, हो सकता है आपको प्रिंटेड बुक्स का सेट चाहिए कि सर हमें सेट भी चाहिए, हम मैथ रीजनिंग इंग्लिश पढ़ना है, इस मैथ इस रीजनिंग इस इंग्लिश चाहिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बुक चाहिए, प्रिंटेड बुक्स के लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी। वहाँ पर आपको कॉम्बो एक पैकेज मिलेगा जिसमें आपको 8 बुक का सेट है, ऐसे अलग अलग सेट है आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मार्केट मतलब कंप्यूटर की भी बुक मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आई होप यार सारी चीज़ें आप लोगों के क्लियर होंगी, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे टेस्ट पैकेजेस हैं, टेस्ट पैकेजेस में भी आप इनरोल करा सकते हैं, बैंक के लिए जा रहे हैं, SSC के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखो एक बात समझना, ई बुक्स पैकेजेस इन सब के लिए जो कोड यूज करेंगे आप लोग Y168S, टेस्ट सीरीज, मोक, ई बुक और बुक्स के लिए, बाकी लाइव क्लासेस के लिए बैंक महापैक आपका बना है और बैंक महापैक इंडिविजुअल क्लासेस आप कोड यूज करेंगे Y168। कल मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे, बैक टू बैक बैटिंग करने वाला हूँ कल 7 बजे, फिर 9 से 11, कल का सेशन स्किप मत कर देना। आज 2 से 4 की क्लास वॉरियर की, उसे स्किप मत करना, ओके। बाय बाय, राधे राधे।